वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और शास्त्र में इन चारों वर्णों के लिए अलग अलग प्रकार के कर्म कहे गए हैं। अब ब्राह्मण का कर्म क्या है? सबसे पहले षटकर्म। षटकर्म कौन से हैं? वेद पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और करवाना, दान देना और दान लेना, ये ब्राह्मण के षटकर्म बताए हैं। षटकर्म करे तो ब्राह्मण है, क्योंकि जन्म पूरा परिचय नहीं है, जन्म और कर्म से पूरा परिचय है। यदि षटकर्म करे तो ब्राह्मण है। और षटकर्म, छह कर्म कौन से हैं? सबसे पहला वेद पढ़े और दूसरे को पढ़ाए, यज्ञ करे और दूसरे से कराए, दान दे भी और दान स्वीकार भी करे। फिर कहते हैं कि दिन प्रति षट कर्मन अनुसरई श्राद्ध 72 वर्ष प्रति करे, प्रत्येक वर्ष में 72 श्राद्ध करने की आज्ञा शास्त्र ब्राह्मण के लिए देता है। और फिर नित्य प्रति बलि और वैश्वदेव आदि यज्ञ करे, नित्य अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण आदि क्रिया करे। और फिर कह रहे इनमें एक विसर जो जाई, अगर एक भूल जाए करना, तो कह रहे उसको प्रत्यवाय दोष लगता है, अर्थात पुण्य के स्थान पर पाप लगता है। तभी तो हमारे महाप्रभु जी कह रहे यम द्वारे कटियत नक छीके, माने अपराध बड़ा थोड़ा सा और दंड बहुत बड़ा। और जबकि प्रभु का स्वभाव क्या है? थोड़े भजन बहुत फल देत, थोड़े से भजन का बहुत बड़ा फल, अपार फल प्रभु प्रदान करते हैं। और फिर कह रहे हैं कि अगर आज दृष्टिपात करो तो ये षटकर्म और ये श्राद्ध आदि क्रिया की बात तो छोड़िए, संध्या तीन सधाई नहीं भाई, त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण का दर्शन आज दुर्लभ है, जो त्रिकाल संध्या करता हो। और फिर कह रहे आजीविका रहे अरुझाई, और सब अपना पेट पालने में लगे हैं। बाद होत कर्मन के मानी, बूढ़त कत हरि भक्ति न जान, उन कर्मन धर्मन ते न्यारे, भक्तन कर्मन ते अनुसारे। मेरे कर्म करत है कोई, क्रिया लोप सकल जो होई, 33 कोटि ताको तो करही, श्री मुख वचन आप उच्चरही। कहने ग्रंथकार के कहने का तात्पर्य ये है कि इतना इतना कर्म विधि निषेध पूर्वक करने पर ही अपने स्वधर्म का पालन संभव है, और इनमें से जरा सी भूल हो जाए, जरा सी चूक हो जाए, तो वहां ये नहीं कहा जा सकता कि अरे इतने दिन से तो ठीक ठाक से कर रहे थे, आज थोड़ी भूल हो गई तो क्षमा कर दो। ना ना ना, वहां ऐसा विचार नहीं किया जाता। वहां तो पुण्य का भी फल है, पाप का भी फल है। आपने ठीक प्रकार से किया आपको पुण्य फल मिलेगा, नहीं किया तो तत्काल दंड का भी विधान किया जाएगा। और यम के द्वार का विधान तो महाप्रभु बता रहे हैं, थोड़ा सा अपराध और बहुत बड़ा दंड। महाप्रभु कह रहे छींक मारने का दंड क्या है? यमराज के सामने किसी ने छींक मार ली, जैसे आप देखते हो, मैं देखता हूं कभी छींक आ जाती है तो आप लोग कहते हैं सॉरी, ऐसा कह देते हैं ना, हाँ ठीक है, सामने वाला कहता है कोई बात नहीं, पर बोली वहां ऐसा नहीं है, छींक मारी तो यमराज ने कहा नहीं सॉरी नहीं चलता है, यहां पर नाक काट ली जाए इसकी। महाप्रभु कह रहे यम द्वार है कटियत न कचीके। अब आप विचार करो क्या क्या इस पचड़े में पड़ना ठीक है? भाई जीव तो भूलने के लिए ही बना है, जीव से तो भूल होना बड़ा स्वाभाविक है। ये तो प्रभु हैं, क्योंकि प्रभु अपने हैं, प्रभु का जीव के प्रति अपनत्व है। प्रभु कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, भगवान कह रहे सब मेरे प्रिय हैं, क्यों? सब मैंने ही उत्पन्न किए हैं। और फिर भगवान कह रहे सब पर मोही बराबर दाया, ऐसे प्रभु को छोड़कर किसी अन्य का भजन, कोई अन्य साधन, और उस भजन और साधन में अपने जीवन को लगाना, ये निरा अज्ञान है, निरी मूर्ता है। विधि और निषेध के प्रपंच में पड़ने वाला जीव, उसका चित्त कभी सहज नहीं हो सकता। और भगवत प्रेम तो भाई सहजता की भूमि पर ही फलीभूत होता है। तो देखो यद्यपि ब्राह्मण भगवान के भी इष्ट हैं, भगवान कह रहे ये मेरे भी आराध्य हैं। श्री रघुनाथ जी जब अयोध्या वासियों को धर्म का उपदेश करते हैं तो प्रभु अपने मुख से दो बार कहते हैं पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा।
सानुकूल तेही परमुनि देवा जो तज कपट करई द्विज सेवा। ऐसा भगवान ने कहा है। तो ब्रह्म बल सर्वश्रेष्ठ है, पर श्रीमद् भागवत में वर्णित ये महाराजा अम्बरीश का प्रसंग ये प्रतिष्ठा करता है, यद्यपि सब बलों से ब्रह्म बल श्रेष्ठ है, पर ब्रह्म बल से भी भगवान की भक्ति का बल बड़ा है। महाराजा अम्बरीश ने जब सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की कि यदि मुझसे भगवान प्रसन्न हैं तो ये ब्राह्मण इसी क्षण कष्ट मुक्त हो जाए, इनकी पीड़ा इसी क्षण दूर हो जाए, स्वयं महर्षि दुर्वासा दोनों हाथ उठाकर कहते हैं आज मैंने देख लिया, आज मैंने जान लिया कि इस संसार में सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि अगर कोई भाव है तो वो नारायण के चरण कमलों की भक्ति है, विशुद्ध भक्ति है। तो यहां कह रहे हैं कि भाई कोई किसी भी कुल में जन्मा हो, किसी भी जाति से संबंध रखता हो, पर यदि अपना कल्याण चाहता है, यदि अपना कल्याण चाहता है तो हरि के नाम भरोसे रही, साधन और नहीं या कली में, साधन और नहीं या कली में, मुख सो हरि हरि कहिए हरि के नाम भरोसे रहिए, हरि के नाम भरोसे रहिए।